आज मैं आपके सामने एंथर नाम की एक ऐसी आत्मा का केस शेयर करने जा रही हूँ जो कि हाल ही में एक ऐसा जीवन जी के आत्मलोक में आई है जो दूसरे स्त्री पुरुषों के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, लड़ाकू, उग्रतापूर्ण व्यवहार करता आया है और वो बचपन से ही इस तरह की शख्सियत रहा है। एक ऐसी आत्मा जो जीवन पर्यंत लोगों को अपनी बातों से, अपनी हरकतों से दर्द देती आई है, उनसे झगड़ा करती आई है, इस तरह की एक आत्मा जब आत्मलोक में जाती है तब वो आकाशीय रिकॉर्ड में क्या देखती है, क्या महसूस करती है, इस स्थिति को आज हम समझेंगे। क्योंकि ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एंथर ने, जैसा कि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा लड़ाकू किस्म का इंसान था, तो उसने अपने जैसे और छोटे बच्चों को जो उसने तकलीफ़ दी, उनसे लड़ाई झगड़ा करके उन्हें दर्द दिया, उस चीज़ को उसने आकाशीय रिकॉर्ड में उन्हीं के स्थान पर खड़ा होकर देखा। अब इन दोनों बातों में फ़र्क है। एक है आप कुछ कर रहे हैं और आप अपने आप को आकाशीय रिकॉर्ड में देख रहे हैं, और एक है कि आपने किसी अन्य बच्चे के साथ कुछ गलत किया है, अब आप उस अन्य बच्चे के स्थान पर हैं और खुद को देख रहे हैं। इन दोनों बातों में फ़र्क है। और जब हम आकाशीय रिकॉर्ड देखते हैं तो हम हर तरह से स्थिति का एनालिसिस करते हैं, ठीक इसी तरह से एंथर आकाशीय रिकॉर्ड में खुद को उस बच्चे के स्थान पर देख रहा था जिसके साथ उसने बदतमीजी की थी, और वो सारी भावनाएं फील कर रहा था जो कि उस समय वो बच्चा फील कर रहा था एंथर की वजह से। अब हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आकाशीय रिकॉर्ड सिर्फ हमारे रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरा एनालिसिस है, पूरा हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको व्यवहार करना चाहिए था, किस तरीके से आपने किया है और आपके व्यवहार से किसी अन्य के मन पर क्या गुजरी है। क्योंकि हकीकत तो यह है कि जीवन में भी और जीवन के बाद भी हम बस अपनी नज़र से ही तो सब कुछ सोचते हैं। हम यही तो सोचते हैं कि हमें कैसा फील हुआ, हमारे लिए किसी ने क्या किया, सब कुछ अपने लिए तो हम सोचते हैं। हमने कब ये इस नज़र को पलट के हमने कब सोचा है कि किसी के लिए हमने क्या किया, किसी को हमारी वजह से क्या फील हुआ। लेकिन जब हम आकाशीय रिकॉर्ड देखते हैं तो हम इस नज़र से भी परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं। अगर ऐसे अवलोकन ना हो तो आकाशीय रिकॉर्ड की उपस्थिति ही अपने आप में अधूरी है। जब एंथर आत्मलोक पहुंचा तो अभी विगत जीवन से वो नया नया ही बाहर निकला था, अभी अभी उसकी मृत्यु हुई थी, तो वो अपने जो जीवन वो जी कर गया था उससे वो अटैच ही था, वो अभी उसके अंदर रचा बसा हुआ था। वो अपने आत्मिक ग्रुप से मिलने के बाद जब अपने मार्गदर्शक से मिला और उसके मार्गदर्शक उसे उस लाइब्रेरी में ले गए, उस आकाशीय रिकॉर्ड में उसको दिखाने के लिए ले गए और पूरी तरह से एक निजी अध्ययन कक्ष में ले गए, क्योंकि जैसे कि पूरी तरह से गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है, मार्गदर्शक और उनका स्टूडेंट इन दोनों के बीच में ही बातचीत होती है, तो उसे एक तरह से जैसे प्राइवेट रूम कह लीजिए, इस तरीके से उसने अपने मार्गदर्शक के साथ उस लाइब्रेरी में अपने आकाशीय रिकॉर्ड को देखा। जब एंथर उस आकाशीय रिकॉर्ड को देखने के लिए आया तो उससे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था कि क्या इस स्थान पर तुम पहले भी आ चुके हो, तो इस पर एंथर का जवाब था हाँ, इस स्थान पर तो मैं पहले कई बार आ चुका हूँ, क्योंकि अब उसकी आत्मलोक की यादें जागृत है ना, तो उसने हर जीवन के बाद वो आया होगा इस स्थान पर, तो उसी याद को उसने दोहराया है कि हाँ मैं इस स्थान पर पहले कई बार आ चुका हूँ। आगे उसने कहा कि यहाँ मैं अपने जो मेरा आने वाला जीवन है, जो उसने पहले आत्मलोक में अध्ययन किया होगा ना, तो उसकी यादें उसके मन में है, तो उसने कहा कि यहाँ मैं जो मेरा आने वाला जीवन है उसमें जो मेरे लाइफ लेसन है, जो मेरा एम है सीखने का, उसके अनुरूप मेरे लिए कैसा जीवन और क्या व्यवसाय मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं इस चीज़ का अध्ययन करूँगा, इस चीज़ को खंगालूँगा। अब ये जो एंथर ने एक लाइन बोली, अब एग्जैक्ट जो उसकी लाइन थी कि यहाँ मैं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
नए जीवन के लिए व्यवसाय आदि पर अध्ययन करूँगा ताकि पता चल सके कि ये ठीक रहेंगे या नहीं। अब ये जो एंथर की दो लाइनें हैं, इन्हीं दो लाइनों से ये चीज़ समझ में आता है कि जो व्यक्ति जो भी अपने जीवन में व्यवसाय करता है, वो व्यवसाय भी उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या उसके लाइफ लेसन है, उसके अनुरूप ही वो सोल वर्ल्ड में अपने लिए तय करके आता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा जाएगा कि जो लोग गलत कार्य चुनते हैं, गलत व्यवसाय अपने लिए चुनते हैं, चोरी डकैती करते हैं, अपहरण करते हैं, इस तरह के गलत कार्य जो लोग करते हैं, वो लोग भी तो इसे अपना व्यवसाय कहते हैं, तो क्या इसका चुनाव भी वो आत्मलोक में करते हैं? तो नहीं, इसका चुनाव वो आत्मलोक में नहीं करते। ये इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा के तहत, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत बहुत सारे कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा के तहत कर रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत काम जब आप अपने जीवन में करते हैं तो उसका क्रेडिट मेरी किस्मत में लिखा था कहकर अपनी किस्मत को मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवसाय का चयन कर रहा है या फिर वो जिस व्यवसाय में है उस व्यवसाय में चीटिंग कर रहा है, मान लीजिए वो किसी अफसर की पोस्ट पर है और वो रिश्वत ले रहा है या वो चोरी कर रहा है या वो किसी की जेब काट रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह के कार्यों को करने का ऑप्शन आत्मालोक में उसने अपने आकाशीय रिकॉर्ड में देखा था और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये उसका व्यवसाय तय किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। कोई भी गलत काम जब आप इस तरीके से करते हैं तो मान कर चलिए कि ये प्रकृति ने आपके लिए तय नहीं किया है, प्रकृति इस तरीके से कार्य नहीं करती है, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। अब इसी केस को मैं अगली कड़ी में आगे बढ़ाऊंगी और डिटेल में हम आकाशीय रिकॉर्ड में किस तरीके से हमारी भावनाएं प्रत्यक्ष होती हैं, किस तरीके से हम अपने आने वाले जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं, समझते हैं, खंगालते हैं, इस सब्जेक्ट को हम और डिटेल में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ोन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। मैं आप सभी से इस छोटी सी हेल्प की उम्मीद ज़रूर रखती हूँ। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर सेम सोल मैनी बॉडीज़ मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और इस समय बोर्न अगेन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से आत्माएं अपना रीबर्थ लेती हैं, रीबर्थ में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कई बार हमारे मन में ये भी सवाल होता है ना कि हमारे प्रियजन ने अगर रीबर्थ लिया है तो वो किस रूप में होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, किस आधार पर इनको समझें। इन सब बातों को समझने के लिए अगर आप उस सीरीज़ को यानी बोर्न अगेन की सीरीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत सारी बातें आपको तथ्यों के साथ स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये जो पुस्तक है बोर्न अगेन, ये डॉक्टर वाल्टर की और उनके बहुत से अनेकों और भी सहयोगी रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर जो रिसर्च करी है पुनर्जन्म के केसेस की, उसके आधार पर कुछ विशेष तथ्य हैं जो हमारे सामने लाए गए हैं, जिनसे हम अपने प्रियजनों ने कैसे जन्म लिया है या हम नेक्स्ट बर्थ में किस तरीके से अपने संस्कार अपने गुण ट्रांसफ़र करते हैं, इन सब बातों को हम ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ निकल कर हमारे हाथ में लगेंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।